हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम गुड्स सोल्ड से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को कवर करेंगे। जब आपको ट्रांजैक्शन में सेल प्राइस भी गिवन है, कॉस्ट प्राइस भी गिवन है उन गुड्स का, प्रॉफिट भी गिवन है, तो उस केस में आपको ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री कैसे पास करनी है वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपको ध्यान में रखनी है इन ट्रांजैक्शन को करते हुए, जब भी आपको ट्रांजैक्शन में सेल प्राइस भी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस भी दे रखा है, प्रॉफिट भी दे रखा है, तो आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हमने गुड्स को कितने में बेचा है, सिर्फ उसको रिकॉर्ड करना है। क्योंकि ये जो माल की बेचने वाली ट्रांजैक्शन होती है, गुड्स को बेचने वाली ट्रांजैक्शन होती है, ये डेली बेसिस वाली ट्रांजैक्शन है, इसलिए इन गुड्स पे होने वाले जो प्रॉफिट है उसको हम सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं करते हैं। हम सिर्फ ये रिकॉर्ड करते हैं कि हमने गुड्स को कितने में बेचा है, ठीक है। अगर आपको बाय चांस ट्रांजैक्शन में सेल प्राइस नहीं दे रखा है तो सबसे पहले आपको सेल प्राइस को कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें यही तो रिकॉर्ड करना है कि हमने माल को कितने में बेचा है, गुड्स को कितने में बेचा है। क्लियर है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश रुपीज 10,000। इसमें हमें क्या दे रखा है कि हमने गुड्स को बेचा है 10,000 रुपये में। कितने में बेचा है? 10,000 रुपये में। बट उन गुड्स की कॉस्ट प्राइस या बुक वैल्यू हमें दे रखी है 8,000 रुपये। हमने 2,000 प्रॉफिट पे बेचा है उन गुड्स को। जब भी आपको ऐसी कोई ट्रांजैक्शन दे रखी होगी जिसमें हमें ये दे रखा होगा कि हमने गुड्स को कितने में बेचा है और वो गुड्स हमें कितने के पड़े हैं, तो आपको सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हमने उन गुड्स को कितने में बेचा है। उसकी कॉस्ट प्राइस बुक वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमने कितने में बेचा है सिर्फ उस चीज को आपको ध्यान में रखना। ऐसा क्यों? क्योंकि गुड्स को, माल को बेचने का काम डेली का काम है, रेगुलर नेचर वाली ये ट्रांजैक्शन होती है, इसलिए गुड्स पे होने वाले प्रॉफिट को कभी भी सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, ठीक है। हम सीधा किस में रिकॉर्ड करेंगे? इस ट्रांजैक्शन में सीधा हम सेल प्राइस को रिकॉर्ड करेंगे कि हमने उन गुड्स को कितने में बेचा है। प्रॉफिट को सेपरेटली रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? अब इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? हमने क्या किया है? गुड्स को बेचा है और उसके बदले में कैश लिया है। तो जब हम माल को बेचते हैं उसके लिए कौन सा अकाउंट यूज करते हैं? सेल्स अकाउंट, ठीक है। उसके बदले में हमें क्या मिला है? कैश मिला है। तो कौन सा दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है? कैश अकाउंट। सेल्स अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? इनकम की कैटेगरी में आता है। जब हम सेल्स करते हैं हमें क्या होती है? इनकम होती है, ठीक है। अब सेल्स से हमें क्या हो रही है? इनकम, इनकम बढ़ रही है। तो रूल क्या कहता है? जब भी इनकम इंक्रीज होगी तो अकाउंट को हम क्या करेंगे? क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट, ठीक है। कैश अकाउंट किस कैटेगरी में आता है? एसेट की कैटेगरी में आता है। हमने माल को बेचा है और हमें कैश मिला है, कैश इंक्रीज हो रहा है, तो एसेट का रूल क्या कहता है? जब एसेट इंक्रीज होगी तो अकाउंट को हम क्या करेंगे? डेबिट। तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट। तो एंट्री क्या बनेगी? कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट। तो उसे पहले लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितनी अमाउंट लिखेंगे? कितने के हमने गुड्स बेचे हैं उसकी अमाउंट लिखेंगे, 10,000 और 10,000। प्रॉफिट को, कॉस्ट प्राइस को टोटली इग्नोर करना है। हमने सिर्फ इस बात पे ध्यान देना है कि हमने गुड्स को कितने में बेचा है, वही अमाउंट यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 60,000 टू माहिन अगेंस्ट चेक एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। हमने क्या किया है? माल बेचा है, गुड्स बेचे हैं, किसको? माहिन को। माहिन ने उन गुड्स के बदले में हमें क्या दे दिया है? चेक दे दिया, ठीक है। अब गुड्स बेचने की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हमने उन गुड्स को कितने में बेचा है। बट इस ट्रांजैक्शन में हमें वो अमाउंट तो दी नहीं गई है कि हमने गुड्स को कितने में बेचा है माहिन को। हमें क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। हमें दे रखा है कि इस ट्रांजैक्शन में जो हमने माल बेचा है उसकी कॉस्ट फर्म को कितनी पड़ी है? 60,000 रुपीज। और उन गुड्स को फर्म ने
प्रॉफिट में बेचा है 40% ऑन कॉस्ट। तो हमें इस ट्रांजेक्शन में सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा कि हमने उस माल को कितने में बेचा है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसके लिए क्या बनाना पड़ेगा हमें, वर्किंग नोट, ये पता लगाने के लिए कि हमने कितने में माल बेचा है, ठीक है। तो हमें कॉस्ट दे रखी है 60,000 रुपीज, प्रॉफिट दे रखा है 40% ऑन कॉस्ट। तो हम क्या करेंगे, कॉस्ट में प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि हमने गुड्स को कितने में बेचा है, ठीक है। तो कॉस्ट कितनी है 60,000, प्रॉफिट कितना है 40% ऑन कॉस्ट। तो 60,000 का 40% कितना होगा 24,000। तो इससे हमारे पास आ जाएगा कि हमने गुड्स को कितने में बेचा है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा 60,000 प्लस 24,000 कितना आया 84,000। हमने गुड्स को कितने में बेचा है 84,000 में। अब देखते हैं कि इस ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री क्या बनेगी। इस ट्रांजैक्शन में हमने क्या किया है, गुड्स को बेचा है। तो जब हम गुड्स को बेचते हैं तो कौन सा अकाउंट यूज करते हैं, सेल्स अकाउंट, ठीक है। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है इस ट्रांजैक्शन में, हमने क्या किया है गुड्स को बेचा है, उसके बदले में हमें क्या मिला है, चेक मिल गया। चाहे आपको ट्रांजैक्शन में बायर का नाम दे रखा है बट साथ के साथ ये भी दे रखा है कि उसने चेक दे दिया, तो इसका मतलब हमें साथ के साथ पैसा मिल चुका है, चाहे इन कैश मिले चाहे बैंक में मिले, पैसा हमें मिल गया है, इसलिए हम बायर के नाम को टोटली इग्नोर करेंगे, ठीक है। अब देखो हमें क्या मिला है, चेक मिला है, तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि हमने उस चेक को सेम डे डिपॉजिट करवा दिया है बैंक। तो कौन सा दूसरा अकाउंट इफेक्ट हो रहा है, बैंक अकाउंट। अब सेल्स अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं, इनकम की कैटेगरी में आता है। सेल करने से क्या हो रही है, इनकम हो रही है, और इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट। तो सेल्स अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट, ठीक है। बैंक का अकाउंट किस कैटेगरी में आता है, एसेट की कैटेगरी में आता है। एसेट का रूल क्या कहता है, एसेट जब भी इंक्रीज होगी तो अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट। तो बैंक अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि बैंक में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। तो एंट्री क्या बनेगी, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट, क्रेडिट क्या हो रहा है, सेल्स अकाउंट टू लिखेंगे, सेल्स अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। अब अमाउंट कितना कितना डालेंगे, 84,000 डालेंगे डेबिट की अमाउंट में और 84,000 ही डालेंगे क्रेडिट की अमाउंट में, क्योंकि हमने कितनी सेल्स की है, 84,000 की। उन गुड्स का कॉस्ट प्राइस क्या है, कितना हमने प्रॉफिट कमाया है, ये हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। हमें सिर्फ इस बात से मतलब है कि हमने उन गुड्स को कितने में बेचा है, क्लियर है। तो आप बैंक अकाउंट के साथ एक स्टार भी डालोगे और इस नोट को सारी एंट्रीज खत्म होने के बाद रिकॉर्ड करोगे और इसके साथ भी आप स्टार लगा दोगे। ये स्टार क्या इंडिकेट कर रहा है कि हमने ये अज्यूम करा है कि चेक को हमने सेम डे पे बैंक में डिपॉजिट करवा दी, तभी हमारा बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। आपको ये नोट लिख के आना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।